तो मोहब्बत किसी खास इलाके या जगह की मीरास नहीं है। राइट नाउ आई एम इन द फ्रंट ऑफ ताजमहल, मगर हम यहाँ तक आए कैसे? चले कहानी के शुरू में आते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लाजमी नहीं पर जान लो। माय नेम इज मोहम्मद सदाकत, द कंटेंट क्रिएटर। 50 वीडियोस बनाने के बाद यह शायद अभी भी नहीं। अपने शशके अगर हो गए हूँ तो साथ जो हम सफर है उसका तारफ ना कराया तो समझो नौकरी गई। इस इंट्रोडक्शन के बगैर भी वीडियो स्टार्ट हो सकती थी, मगर एक बड़े शायर का शेर है ना कि व्लॉगिंग के लिए सातों आसमान पार कर जाऊंगा, कहानी जैसी भी हो लंबी करके सुनाऊंगा, और अब इससे आगे कहानी सुनानी नहीं दिखानी है। और जब आप गेट से एंटर होते हैं तो सामने एक बाग नजर आता है और उस बाग के साथ एक खूबसूरत आर्किटेक्चर जो कि एक मकबरा है। When you enter this beautiful मकबरा, सामने आपको दो कब्रें नजर आती हैं। After getting full detail of these two graves, we got that ये कब्रें हाजी राजा अब्दुल हुसैन साहब की जोजा मीन वाइफ और वालदा की हैं। पहले बात करते हैं वालदा की। उनकी वालदा एक नेक खातून थी और उनके बारे में मशहूर था कि वो सादात यानी आले रसूल का बहुत एहतराम करती थी। लाइक अगर कोई सैयद उनके घर आ जाता तो उनके बराबर भी कभी नहीं बैठती थी। अब आते हैं असली कहानी मीन जो सात दूसरी कब्र है उसकी तरफ। ये कब्र हाजी राजा अब्दुल हुसैन की बेगम ताज की है। बेगम को कैंसर था और उनका इलाज इंग्लैंड से हो रहा था। राजा अब्दुल हुसैन साहब का रोज़गार इंग्लैंड में था। एक दिन राजा साहब अपने काम से जा रहे थे तो बेगम ताज ने मजाक में कहा कि अभी जिंदा हूँ तो टाइम नहीं दे रहे, मेरे मरने के बाद कौन सा ताजमहल बना देंगे। बस वही बात इस खूबसूरत मकबरे का बायस बनी। बेगम ताज की वफात के बाद ये खूबसूरत मकबरा बनाया गया। मियाँ ने क्या मसाल कायम कर दी कि बीवी की जुबान से निकली बात को ही पूरा कर दिखाया। मुझे जब यहाँ का पता चला आई वॉज टू एक्साइटेड और मैं इस प्यारी मोहब्बत की निशानी का विज़िट करने आया। मगर एक डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ कि आप यहाँ का विज़िट करने ना आए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये पब्लिक प्लेस नहीं है, इट इज़ दे प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमें वहाँ जाने से किसी ने मना नहीं किया, मगर हम उनके घर के अंदर से गुजर कर गए जो कि हमें मुनासिब नहीं लगा। जितना हो सका कवर करने की कोशिश की है ताकि इस वीडियो से आप वहाँ का विज़िट कर सकें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव द बिग थम्स अप एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।